चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर युवा शक्ति समिति की ओर से कन्यापाद पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समिति सदस्यों ने कन्यापाद पूजन कर कन्याओं से आशीर्वाद लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। युवा शक्ति समिति की ओर से आयोजित कन्यापाद पूजन कार्यक्रम में निगम सभापति मुन्ना लाल यादव, बीजेपी नेता वीरेंद्र व्यास समेत तमाम लोग सम्मिलित हुए, जहां सभी ने कन्यापाद पूजन कर कन्याओं से आशीर्वाद लिया। युवा शक्ति सनातन में विश्वास रखती, कभी माँ वैष्णो देवी के दर्शन, कभी कहाँ, हर जगह धार्मिक स्थलों के माता बहनों को दर्शन कराना, और उसी कड़ी में आज यहाँ पाद पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। नवरात्रे में हमारी परंपरा है कि बच्चियों को भोजन कराना, उनका पूजन करना, शक्ति का पूजन करना, तो युवा शक्ति इसमें तरह के कार्यक्रम सनातन धर्म से प्रेरणा लेके ये कार्यक्रम करती रही। युवा शक्ति समिति द्वारा विगत 19 वर्षों से सामाजिक कल्याण के कार्य, धार्मिक आयोजन, राष्ट्र के कार्यक्रम ये लगातार करते आ रहे हैं। उसमें कन्या पूजन का कार्यक्रम युवा शक्ति द्वारा रखा गया, इसमें 300 कन्या का पूजन और उनका भोजन और उनका गिफ्ट देने का कार्यक्रम रखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर युवा शक्ति समिति की ओर से कन्या पाद पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समिति सदस्यों ने कन्या पाद पूजन कर कन्याओं से आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।